हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एडोशाला में। DSSSB की तरफ से आईटी इंस्ट्रक्टर पोस्ट की वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल आपको सभी ट्रेडों को मिला के 258 सीटों की वैकेंसी है। वैकेंसी आपको मार्च महीने में आ गई थी और उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, उसमें कुछ आपको समस्या आ सकती है तो वीडियो आप देख ले, आसानी से आप उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरा स्टेप उसमें डिटेल में बताया गया। उसके बाद बहुत सारे छात्र जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्जामिनेशन का सिस्टम क्या है, तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है आपको कि पूरा डिटेल में बताएंगे कि एग्ज़ाम जो है आपका किस पैटर्न पे होना है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कौन से बुक प्रिफर करना चाहिए, और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली में आईटी इंस्ट्रक्टर का, उसके क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी, और जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वो PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन होना है आपका, ओनली रिटन टेस्ट होगा, वो भी आपका एक टायर में होगा, एक सिंगल आपका CBT एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें आपको टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एग्जामिनेशन स्कीम है जिसमें आपको एक एग्ज़ाम होगा आपका वन टायर, ठीक है। जितने भी पोस्ट है आपका, एक से लेके 31 सीरियल नंबर पोस्ट तक वैकेंसी है, सभी का यही आपका है एग्ज़ाम कोड है। टाइमिंग आपको 2 घंटे मिलेंगे टोटल, और टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। इस तरह टोटल 200 नंबर के हो गए, और टोटल आपका 200 नंबर का होगा, जिसमें आपको सिलेबस 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा 200 नंबर का 2 पार्ट में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन ए आपका 100 मार्क्स का हो गया, और सेक्शन बी आपका 100 मार्क्स का हो गया। तो सेक्शन ए में जो रहेंगे आपको क्वेश्चन, ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन रहेगा आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल क्वेश्चन, जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उसी ट्रेड से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप फिटर से हैं तो फिटर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे, वेल्डर वाले के लिए वेल्डर से, इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जिस जिस पोस्ट की वैकेंसी है उस पोस्ट की वैकेंसी के लिए उस ट्रेड से संबंधित ट्रेड से 100 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है ये सभी के लिए कॉमन है। इसमें जो सबसे लास्ट में पोस्ट है आपका 31 नंबर पोस्ट कोड है, वो वर्कशॉप अटेंडेंट का है। तो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज है कि वर्कशॉप अटेंडेंट में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वर्कशॉप अटेंडेंट जो ऐसी पोस्ट है, उसका काम होता है कि जो भी वर्कशॉप हो, किसी भी ट्रेड से संबंधित हो आपका, उस वर्कशॉप में उसका काम है कि उस वर्कशॉप में वो रहे, काम करवाए बच्चों से, जो भी स्टूडेंट है उसकी देख रेख में काम करे, और जितने भी मशीन है उनका मेंटेनेंस का काम उनका रहता है, सभी मशीनें मेंटेनेंस रहे, साफ सफाई प्रॉपर तरीके से वो चलते रहे, तो उनका काम ये होता है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन है, सेक्शन ए तो है आपका सेम ही रहेगा, और सेक्शन बी जो है आपका, तो आपका कोई, आप जिस भी ट्रेड से हो, आप सभी ट्रेड वाले इसमें, एक बात है कि जो भी ट्रेड है सभी ट्रेड वाले इसमें वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर ट्रेड नहीं है, जितने भी ट्रेड है उसमें बस मेंशन किया गया है कि किसी भी ट्रेड से आप ITI होनी चाहिए, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कोई भी ट्रेड हो। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा आपको किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड से नहीं रहेगा, वर्कशॉप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए, और सभी ट्रेड को मिला के, जैसे फिटर हो गया, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इन सभी ट्रेडों से, इलेक्ट्रिशियन से, सबके बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको सभी ट्रेड के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे जो बेसिक होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप जिस ट्रेड से हैं, अगर माने आपने फिटर से किया है तो फिटर से ही, ऐसा नहीं है कि फिटर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी ट्रेड का बेसिक आपको इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद बात आते हैं कि आप कौन से बुक से तैयारी करें। तो सबसे अच्छा बुक होता है कि निमी का जो बुक है, आप उससे पढ़ाई करें। उसके साथ साथ अगर आपके पास SCN पब्लिकेशन का बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। निमी का बुक सबसे बेस्ट होता है किसी भी ITI ट्रेड के लिए। सेक्शन ए में आपके 5 पोर्शन हैं, हर एक पोर्शन आपका 20 नंबर का है, तो टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। फर्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स जो क्लास 10 तक बेसिक होता है उसके क्वेश्चन रहेंगे। आपका हिंदी लैंग्वेज का कम्प्रिहेंशन रहेगा, और हिंदी लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चन ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे। उसी तरह इंग्लिश में भी आपका इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 5 सेक्शन हो जाएंगे आपको टोटल
एक एक सेक्शन 20-20 नंबर का, तो 100 नंबर के आपके इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, 100 आपका सेक्शन बी के हो जाएंगे, तो इस तरह टोटल आपके 200 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद है कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2014-15 में, उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इससे आपके आइडिया मिल जाएगा किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट सेक्शन है, जैसे देख पा रहे हैं कि आपका दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके टोटल पांच पोर्शन, हर एक पोर्शन आपका 20-20 नंबर का, ये 100 नंबर हो गए, और सब्जेक्ट रिलेटेड आपके 100 नंबर हो गए, तो टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था पहले भी, अभी भी वही सिस्टम है। तो ये सबसे पहला सेक्शन ए है अवेयरनेस का, इसमें आपको क्वेश्चन करेंट अफेयर से और आपको जीके जनरल नॉलेज से रहेंगे। करेंट अफेयर आपको मैक्सिमम 1 साल का, जैसे अभी एग्ज़ाम होगा अगर आपको, तो 1 साल का प्रीवियस 1 साल का आपको करंट अफेयर देखना चाहिए, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रहते, ज़्यादातर 5-6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही रहेंगे। जैसे आप ये सब क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से भारत में पहली कागजी रहित ई अदालत किसमें स्थापित की गई थी, तो कौन सा है, आपको ये सब ऑप्शन देखने पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, सिल्क, कॉटन, वुल, जूट किसे कहा जाता है। विच लायन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, मतलब आपको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है लायन डे, तो ये आपका 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो टोटल आपको फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन हो गए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। फिर दूसरा सेक्शन है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ठीक है, तो इसमें आपको रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन दिया है, आपको ये सीरीज का क्वेश्चन दिया है ए बी करके, आपको ये भरना है, सेलेक्ट द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री, ठीक है, तीन आपको नंबर, 4 नंबर दिए हैं, 4 नंबर में से कौन एक डिफरेंट है आपको ये सेलेक्ट करना है, तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा डिफरेंट है, आपको कोई ना कोई सिस्टम लगा के इसको डिफरेंट करके देखना है। फिर आपको है ये हिंदी में, वही चीज़ आपको हिंदी में दिया गया है, तो इस तरीके से इसमें भी टोटल आपको 20 क्वेश्चन है, ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है। उसके बाद आपका तीसरा सेक्शन जो है आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो ये क्लास 10 तक आपको 7, 8, 9, 10 का जो बेसिक आपका मैथ होता है वही क्वेश्चन रहते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपको वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 8, 9 का क्वेश्चन अगर बना लेंगे हिंद आपको मैथ का, तो ये सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका नंबर्स हो गए आपका, ठीक है, एस सी एफ हो गए, एल सी एम हो गए, ये सभी क्वेश्चन आपको कुछ आपका अल्जेब्रा से है, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह का कुछ आपका प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन है, आपके फ्रैक्शन से है, ठीक है आपका, तो ये सभी ज़्यादा टफ नहीं रहते, आसान ही रहते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज में आपको जो ग्रामर है और कुछ आपको कंप्रिहेंसन से क्वेश्चन रहेंगे, तो ये सभी आपको देखना पड़ेगा, आपको दिया गया है ऊपर में उसको पढ़ के उससे क्वेश्चन, उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो ये सभी आपको इंग्लिश का, फिर इसके बाद आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो ये टोटल आपको 20-20, 40 हिंदी और इंग्लिश मिला के होगा। उसके बाद आपका जो सेक्शन बी है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जैसे ये वेल्डिंग का क्वेश्चन है, तो ये वेल्डिंग से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है, 101 से आपको स्टार्ट है। उसके बाद है देखिए, ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू और मोर मटेरियल यूजिंग मेटल्स टू अ मेल्टिंग पॉइंट वेयर दे कैन कोसेंस इज कॉल्ड, तो ये आपका वेल्डिंग कहलाता है। उसी तरह हीट कितना रिक्वायर, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी, थर्ड मेटल यूज इन वेल्डिंग इज आपका, थर्ड कौन सा, फिलर मेटल यूज होता है। मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है आपका, जी में गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, तो ये सभी आपके बेसिक क्वेश्चन है आपका वेल्डिंग का, ठीक है, ये आप सब देख सकते हैं कि व्हेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन इन द मिक्सचर लिविंग द टॉर्च इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1:1, तो आपका न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों सेम अमाउंट में सप्लाई किया, तो ये सभी आपके वेल्डर के क्वेश्चन होंगे, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो इस तरीके से आप और भी ट्रेडे हैं, सभी ट्रेडे का इसमें दिया है, कुछ है जिसका क्वेश्चन नहीं है, जैसे ही मिलता है आप सभी को वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भेज देंगे, तो आप सभी ये चेक कर लें। इसमें लगभग मुझे लग रहा है 7 या 8 ट्रेड के क्वेश्चन हैं, आप सभी देख लें कौन कौन सी ट्रेड का क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।